एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी घड़ी की मोहताज नहीं होती। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, जनता के सुरक्षा के लिए वो हमेशा डटे रहते हैं और उनके जिम्मेदारियों का एक अहम हिस्सा है नाइट पेट्रोल्स। रूटीन पुलिस ब्रीफिंग में ये डिसाइड हुआ कि आईपीएस अभिषेक पल्लवा पेट्रोल करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स पर और आईपीएस प्रभात कुमार एक फ्लोटिंग ऑफिसर बनकर दुर्ग का चप्पा चप्पा छानेंगे। रोको उनको। ये बाइक किसकी है? आपकी है? यहाँ क्या कर रहे थे? ये बैठने की जगह है? 9:30 बजे यहाँ क्या कर रहे थे आप? बार बार जब हमने आह्वान किया है कि यहाँ पे 8 बजे के बाद को कुछ नहीं करना है और इनका ब्रेथ एनालाइजर चेक करना है इनका पहले। हाँ, चेक करो इनका, अभी मालूम चल जाएगा, चेक करो। रात में पुलिस किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, पर रात में घूमने वाला हर कोई क्रिमिनल नहीं होता। पेट्रोलिंग का काम तो इसको थोड़ा साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। फील्ड में या फिर रात में जो बाहर लोग निकलते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। एक बंदा जो काम से बाहर निकला हुआ लेकिन डरा हुआ है, पुलिस का एक मेन काम है कि कोई बाहर डरे नहीं, निकले तो डर में नहीं रहे। एक दूसरा काम है कि कोई निकला है, ज़रूरतमंद है और मदद उसको नहीं मिल पा रही, तो पुलिस को उसकी मदद करना है, डरा हुआ, मदद मांगता हुआ। इन दोनों के अलावा 2 तरह के लोग होते हैं, एक क्रिमिनल होता है जिसे पकड़ना है हमें, और एक चौथा होता है जो मस्ती के लिए निकला होता है, उनको रात में बस फन करना है, तो उनको रेगुलेट करना है हमें। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग दुर्ग जिले के सबसे ज़्यादा हेक्टिक ट्रैफिक पॉइंट पटेल चौक पर हैं। आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ और मेरे पीछे की तरफ दोनों तरफ काफ़ी गाड़ियां हैं, और रात के टाइम में जो गाड़ियां चलती हैं ड्रंकन ड्राइविंग के कारण उससे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जाने जाती हैं। थर्टी मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये लिमिट है जो अल्कोहल टेस्टिंग में चेक की जाती है। इस लिमिट को एक्सीड करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नाइट पेट्रोल में जुर्म पकड़े ही नहीं जाते, प्रिवेंट भी किए जाते हैं। कार में हम गुजर रहे थे, 2 कार थी, मैं चेकिंग के गश्त में था और एक और मोबाइल पॉइंट थी। तो एटीएम का क्या है ना, शटर बंद नहीं होना चाहिए, और जो एटीएम रात में बंद होता है जनरली हमें पता होता है। तो हम यहाँ गुजर रहे तो हमें दिखा कि एक एटीएम की शटर बंद है, ठीक है, तो दैट वाज सस्पिशियस। और अंदर से फिर कुछ आवाज़ आ रही थी, तो हमने अंदर जाके चेक किया तो पिछले 3 घंटे से कोई एक बंदा एटीएम को, थोड़ा सा नोवाइस था वो, कटर मशीन से काट रहा था और पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, और वो थोड़ा फुट इन द डोर कंसेप्ट में फंस गया था। उसे लग रहा था कि मैंने 3 घंटे लगा ही दिए हैं और इतना काट चुका हूँ तो थोड़ा टाइम और लगा लेता हूँ, कट जाएगा तो पैसे निकल जाएंगे। तो 3-3.5 घंटे से वो एटीएम मशीन काट रहा था, वो पकड़ा गया। तो एक बड़ी चोरी होने से पहले पकड़ी गई थी, वो हमारे साथ पेट्रोलिंग हुआ। ये तो एक केस हुआ, नाइट पेट्रोल के दौरान ऐसे कई केसेस आते हैं। अरे भैया सबकी गाड़ी है ये? अरे भैया तो ये है, ब्लैक फिल्म लगाने का इतना बड़ा टाइम है। अरे क्या बात कर रहे हो, गाड़ी का चेक करो, उसका गड़बड़ है। रुको, देखना भाग ना जाए कहीं। वो तो और गड़बड़ है ना यार, पहले क्यों? सर अभी गाड़ी मेरे को ऐसी मिली, मैं घर जा रहा हूं। ऐसी मिली मतलब? डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। आरसी बस सर, CH0 लाइसेंस। चंडीगढ़ की गाड़ी है तो यार, नहीं 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 पे कार्रवाई करो, चंडीगढ़ की गाड़ी है, देखो CH01 इसका तो। आरसी दिखाओ, आरसी करो तो थाने में डलवा, थाने ले जाओ। अरे भैया चेकिंग होगी पूरी, चंडीगढ़ की गाड़ी चेकिंग कर लिए, मजा आ गया। सीएच की गाड़ी है यार, चंडीगढ़ की गाड़ी ऐसे कैसे आ जाएगी यहाँ पे भाई? सर मैं यहाँ पे ले जाओ, उसकी जांच कराओ प्रॉपर, इसकी जो जिसके नाम सस्पिशियस गाड़ी है। तो
बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी ट्रैफिक की होती है और एक्सीडेंट की होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। लंबा हाईवे है, बहुत बिजी हाईवे है, तो वो रेगुलेट करना रात में भी खास करके मेजर काम होता है। और बाकी हम देखेंगे कि कहीं पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर कोई पीछे घुमाओ गाड़ी। तो रैंडमली एक लुक मेरा गया कि वहाँ पर कम से कम 20 लड़के रैंडमली बैठे हुए, तो हम रुक जा वॉक करके चलेंगे। लेकिन आ जाइए, तो बर्ड आई व्यू दूर से थोड़ा सा ध्यान चलाया था कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, पूछ लेंगे देख लेंगे क्या है। कैमरा आप लोग थोड़ा दूर रखिएगा, मुझे थोड़ा अकेले जाने दीजिएगा, तो भाग जाएंगे। ठीक है, फोन देना। देखा, तो ये मिस हो गया। अगर हम लोग सब होते ना तो बर्बाद कर देते इनको। तो अंदाजे से और दूर से देखना होता है कि ये कर क्या रहे हैं। सेट ला मेरा, दुख जुआ खेल रहे थे लोग, शराब है नहीं यहाँ पे तो दारू नहीं पी रहे थे। ये देखो पत्ते जैन, ये दुर्ग थाने में हाईवे पे पानी टंकी के सामने बस स्टैंड के बगल में, ठीक है, 20 लोग बैठ के जुआ खेल रहे थे। ठीक है, ये पेट्रोलिंग वाले ढूंढने को तो मिल जाएंगे, पहचान में आ जाएंगे। ठीक है, हाईवे पे पानी टंकी के पास बस स्टैंड के बगल में, मैं एक जगह का फोटो भेज दे रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के 20 लोग जुआ खेल रहे थे, देख के भागे हैं, छोटी टीम थी हमारे साथ। तो दुर्ग पेट्रोलिंग और मोहनगर पेट्रोलिंग को बोलिए, खोजेंगे, दो चार पकड़े जाएंगे। ठीक है, दो चार तो पकड़े ही जाएंगे। तो मैं फोटो ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, वन ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज़ जो रात में हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों ने कैमरा में देखा भी था, 12 से 16 लोग, शायद 20 लोग जुआ खेल रहे थे यहाँ पे, और शराब भी पिए होंगे लेकिन यहाँ नहीं पी रहे थे, और ऐसा कुछ दिखता था। हम दिखाते हैं आपको, टीम उनके पीछे लगी है, पकड़ेगी। एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजकर आईपीएस प्रभात कुमार ने इंश्योर किया कि जुआ खेलते हुए ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग पकड़े जाए। असरदार नाइट पेट्रोलिंग करने के लिए अलर्टनेस, कम्युनिकेशन, टीमवर्क और आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। छावनी, जिसको इंग्लिश में कैंप बोलते हैं, तो एरिया को कैंप बोला जाता है। जनरली कैंप आर्मी या फिर बट फोर्सेस के कैंप को बोलते हैं। ये लेबर कैंप है, तो जो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, सबका लेबर पॉपुलेशन इस एरिया में रहता है। बहुत सारा इमिग्रेंट पॉपुलेशन है यहाँ पे, आपको साउथ इंडियन बहुत सारे इमिग्रेंट्स मिल जाएंगे, वेस्टर्न इंडियन इमिग्रेंट्स मिल जाएंगे, यूपी, बिहार, उड़ीसा के इमिग्रेंट्स मिल जाएंगे, तेलुगु, तमिल बहुत सारे हैं, और महाराष्ट्र के भी इमिग्रेंट्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा क्राइम प्रोन इस सेंस में भी है कि ये लोग मोबाइल रहते हैं, कुछ देर रहते हैं यहाँ पर, रहते हैं काम क्राइम करके, फिर वो यहाँ से भाग भी जाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, रोड सकरे हैं, बहुत पतली गलियाँ हैं, और लिटरेसी रेट थोड़ा लो है। तो ये सब का एमलगेमेशन एक ही होता है कि बहुत ज़्यादा क्राइम होता है यहाँ पे। हम लोग अभी सुबह के लगभग 3:30-4 बजे छावनी सब डिवीज़न के खुर्सीपर थाने के एरिया में खड़े हैं।